मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस, स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, जिसमें आज चर्चा होगी विशेष रूप से राशियों के फल के बारे में और जानेंगे दशमी तिथि यमराज को अर्पित क्यों की गई, इसके क्या होंगे कुछ खास बातें, और सबसे बड़ी बात माथे पे तिलक क्यों लगाते हैं, इससे क्या होता है लाभ, और आपके जन्मदिन की भी एक विशिष्ट हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का विशिष्ट पंचांग। जी हाँ, दशमी तिथि भगवान सूर्य ने अपने ही पुत्र यमराज को दी थी ये तिथि। यम और नियम का यदि हमारे जीवन में हो पालन तो फिर कष्ट क्यों हो। जी हाँ, पतंजलि जिस यम नियम की चर्चा करते हैं अष्टांग योग में, यम नियम का बहुत बड़ा मूल्य होता है। 5 यम होते हैं, सच बोलना चाहिए, अहिंसावादी रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अप्रमाद और अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन नियमों का यदि हो हमारे जीवन में पालन तो यमराज कहते हैं दीर्घायु देता हूं और हर प्रकार के रोग और कष्ट भी दूर कर देता हूं। शुक्रवार है, शुक्रवार का जो दिन है ये बहुत सुंदर है, खास करके किसी गरीब बच्ची को। जी हाँ, घर में काम करने वाली हो, अगर उनकी पढ़ाई लिखाई में कुछ पुस्तकों का दान कर दें या उनके विवाह में कुछ अपनी तरफ से खाना इत्यादि आप करवा दें तो अपनी बेटी की शादी में बहुत से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, जो देता है पौरुषता और जो देता है साहस भी। विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार हम अपने को संयत रख सकते हैं, चित्रा नक्षत्र ये कहता है। हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, परिस्थितियां तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन मनस्थिति तो कंट्रोल में की जा सकती है ना, चित्रा नक्षत्र ये बहुत बड़ी बात कहता है। अति गंड योग और वणिजकरण की भी अति व्याख्या। अति गंड योग का अर्थ होता है आज के दिन अति क्रोध ना करें, किसी के ऊपर हिंसा ना करें, कटु वचन ना बोल दें, क्योंकि अस्त्र का घाव तो भर जाता है लेकिन वचन का घाव नहीं भरता। तैतिलकरण, व्यापार में कुछ विशेष लाभ, यदि आपका एडवर्टाइजिंग का काम है या मीडिया से रिलेटेड कार्य है उसमें कुछ विशेष लाभ, कुछ नए संपर्क आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और अब समय हो गया है राशि फल जानने का। मेष राशि से लेके कर्क राशि की कुछ खास बातें। फास्ट ड्राइविंग से मेष, तुम्हें रखना होगा परहेज। जी हाँ, व्यर्थ किसी की आलोचना भी आज नहीं करनी है। आज किसी मित्र से खास मुलाकात होने वाली है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कुछ विशिष्ट होंगे लाभ। वृषभ राशि वाले यदि ओम नमः शिवाय ऐसा प्रातःकाल ध्यान करके ऑफिस के लिए निकलेंगे, एक अच्छी खबर उन्हें मिल सकती है। पुराने रूठे दोस्त भी फिर से आपके मित्र हो सकते हैं। और यात्रा के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग से बचना है। और इसी के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों पे तनाव से वृषभ तुम्हें बचना होगा। और आज अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलते वक्त उनको जो आपने वचन दिया है वायदा पूरा करने का वो जरूर निभा दीजिए। मिथुन राशि वालों को अचानक आए हुए क्रोध से अपने को संयत करना होगा। थोड़ी कपालभाति और थोड़ा अनुलोम विलोम उनके लिए अति शुभ। और इसी के साथ साथ यदि कुछ ग्रीन कलर की, जी हाँ, मूंग की दाल या कुछ ग्रीन रंग का चारा गाय को खिला देंगे, मुझे लगता है आर्थिक दृष्टिकोण से संकट दूर होंगे। और घर पे जो नया नौकर सर्वेंट रखने के लिए आप परेशान हो रहे हैं वो भी समस्या दूर होने वाली है। और ऑफिस के कार्यों में खूब मन लगेगा और कोई खोई हुई चीज प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, विशेष रूप से ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, भगवान शिव का ये मंत्र ध्यान में करते हुए यदि घर से बाहर निकलेंगे तो यदि आपका कपड़े का काम है या मीडिया का काम है या आपका कोई डिजाइनिंग का वर्क है या इवेंट शो के अंदर आज आपको कुछ विशेष रूप से करना है तो उसमें विशेष यश कीर्ति की प्राप्ति होने वाली है। और इसी के साथ साथ भाई बंधुओं के साथ व्यर्थ के कलेश से बचना चाहिए। अपने बच्चे की वो डिमांड जरूर पूरी कीजिए जो बहुत दिनों से वो आपसे कर रहे हैं।
मित्रों से मिलेगा भरपूर सहयोग और मन आज प्रफुल्लित रहेगा। और आइए अब जानते हैं माथे पे तिलक क्यों लगाते हैं, क्या ये पंडित जी हैं इतने से ही हमें संतुष्टि मिलती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने ध्यान किया है, जिन्होंने आज्ञा चक्र के ऊपर कंसंट्रेट किया है, एक्चुअली आज्ञा चक्र गुम ना हो जाए, आप भूल ही ना जाए, इसलिए माथे के ऊपर कुमकुम का, हल्दी का, चंदन का, अलग अलग ये औषधियां हैं। गर्मी का वक्त है तो चंदन का तिलक लगा लीजिए, और अगर सर्दियां हैं जी हाँ तो हल्दी का तिलक लगा लीजिए, कुमकुम का तिलक लगा लीजिए। ये आपको मौसम के प्रभावों से भी रक्षा करता है। और आज्ञा चक्र एक वो विशिष्ट हिस्सा है जो लोग योग करते हैं, मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक, ये आज्ञा चक्र वो जगह है दोनों भवों के बीचों बीच। यहाँ आज्ञाएं ली भी जाती हैं और किसी को कोई आज्ञा दी भी जा सकती है, सजेशंस लिए भी जा सकते हैं, दिए भी जा सकते हैं। तो जब हम कहते हैं आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, तो इसका अर्थ ये है कि वो थर्ड आई सेंटर, जी हाँ आपने देखा ना भगवान शिव का एक नाम त्रिलोचन भी है, सभी त्रिलोचन हैं, उनकी आंख उन्होंने जगा ली है, हमें जगानी है। अगर आंखें बंद करके थर्ड आई सेंटर पे ध्यान करेंगे तो ये चक्र एक्टिवेट होने लगता है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां हमें स्वतः ही मिलने लग जाती हैं। ये तो योग की और उसकी बात है। तो तिलक किस लिए लगाते हैं? अब उसमें भी अलग अलग हैं। जो तिलक शिवजी का तिलक वाले लोग नीचे बिठा के तीन लाइनें होती हैं, इसका अर्थ यह है ये शिवजी के उपासक है। जो बिल्कुल दो डंडे ऊपर करके खड़े करके लगाते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, ये भगवान विष्णु के उपासक हैं। और जो लाल रंग की बिंदी लगाएं या थोड़ा सा, इसका मतलब ये देवी के उपासक है। तो ये कुछ तिलक की खास बातें जो हमें जाननी चाहिए। और अब समय हो गया है बाकी की राशियों का, यानी सिंह राशि से लेके वृश्चिक राशि वालों का फलित कैसा है, आज का दिन कैसे गुजरने वाला है। सिंह राशि वाले थोड़े एग्रेसिव हैं और ईगो बहुत तंग कर रही है। मुझे लगता है ईगो से अच्छी दोस्ती होती है, आज इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिए। यात्रा के योग बन रहे हैं, कुछ डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है बॉस के साथ, डिस्प्यूट है नहीं, ईगो ही है, शांत रहिए और प्यार से गले मिलिए, तकलीफें दूर हो जाएंगी। लाल रंग के फ्लावर्स, जी हाँ, यदि आज प्रातः काल उठ के अपने इष्ट देव को, जिनको भी आप मानते हैं, उनके चरणों में रख दें, तकलीफें दूर हो जाएंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विशेष लाभ दिखाई देते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छी खबर, चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश हो चुका है और एक नए मित्र से होगी मुलाकात, लेकिन अगर वो रुपया मांगे उधार तो मत दीजिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नए योजनाओं में विशेष लाभ होगा, मित्रों से मिलेगा भरपूर सहयोग, परंतु तुम्हें सेहत का रखना होगा विशेष ध्यान। तुला राशि, वायु तत्व प्रधान राशि, सेहत का रखें थोड़ा ध्यान, विदेश यात्राओं के भविष्य में बनेंगे योग, मित्रों से मिलेगा सहयोग और अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने का आज दिन है। पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव क्यों है, मुझे लगता है मना लेने में कोई बुराई नहीं है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण, हनुमान जी के मंदिर में, जी हाँ, प्रसाद चढ़ाते हुए, यदि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप कहीं जा रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है, परंतु तुम्हें अपने क्रोध पे रखना होगा संयम। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विशेष लाभ दिखाई देते हैं, फास्ट ड्राइविंग से रखना होगा परहेज और व्यर्थ ही किसी की आलोचना, वृश्चिक, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कहते हैं घर में अगर मकड़ियों के जाले हों तो हटा देने चाहिए, क्योंकि आपकी प्रगति में वो बाधक होते हैं, क्यों? और अब समय हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शीघ्र ही। बार पुनः स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम कर्म पथ में, और जानेंगे बाकी की राशियों का राशिफल और उस प्रश्न का भी उत्तर जरूर जानेंगे कि मकड़ियों के जाले घर में हो तो क्या होता है नुकसान। घर में यदि मकड़ियों के जाले हो तो उन्हें हटा देना चाहिए,
इससे क्या नुकसान होता है? वास्तु के विशेषज्ञ विश्वकर्मा कहते हैं कि इस प्रकार की चीजें दरिद्रता लाती हैं, इस प्रकार की चीजें घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसे नष्ट कर देती हैं, उसे हटा देना चाहिए। क्योंकि मकड़ी करती क्या है, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए जो मकड़ी के जाले बुने जाते हैं ये बहुत सी नेगेटिविटी को और बंधन को क्रिएट करती है। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाती है, तो इसे हटा दीजिए, हटाते रहना चाहिए। ये छोटा सा प्रयोग है, करने में हर्ज ही क्या है अगर फायदा हो जाता हो तो। और अब जानते हैं शेष राशियों की चर्चा, यानी मीन राशि तक हम ये चर्चा करेंगे। धनु राशि का स्वामी गुरु है, थोड़ा स्वाभिमान आ रहा है और मुझे लगता है इस कारण कहीं किसी की हम आलोचना व्यर्थ ना कर दें, कोई बुरा ना मान जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ होने वाले हैं, जो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं खरीद लीजिए, फायदा होगा। और इसी के साथ साथ यदि लाइट येलो रंग के कपड़े आप पहने तो ये आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड भी देंगे और डेफिनेटली नेगेटिविटी भी दूर होने वाली है। और अगर अपने ऑफिस में आप बैठते हैं तो एक गिलास के अंदर, जी हाँ, थोड़ा गुलाब का फूल भी रख लीजिए, व्यर्थ का क्रोध दूर हो जाएगा। मकर राशि, स्वामी शनि प्रॉपर्टी के कार्यों में अगर कहीं धन निवेश करने जा रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए, और जो पेपर्स होने चेक जरूर कर लीजिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे की गुणों की तारीफ करना, इससे व्यर्थ की आलोचना से हम बचते भी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आज इंटरव्यू देने का मन कर रहा है आगे बढ़िए, फायदा जरूर होगा। किसी मित्र से मिलेगा विशेष सहयोग और यात्रा का योग आनंद बढ़ा देगा। कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, और सबसे अच्छी बात यह किसी महिला मित्र से विशेष सहयोग मिलने वाला है, और अपने ही परिवार के बीच में व्यर्थ आलोचनाओं से बचें, किसी को रुपया उधार ना दें, और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ थोड़ा समय जरूर व्यतीत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि आज जो धन आप निवेश करेंगे व्यापार में, भविष्य में उससे होगा लाभ। मीन राशि का स्वामी गुरु, दिन बहुत अच्छा प्रफुल्लित होगा, हेल्थ का रखना होगा ध्यान, और सबसे बड़ी बात, मौसम ठंड का हो तो अपना बचाव जरूर कर लीजिए, थोड़ी कपाल भाति अति उत्तम रहेगी। फाइनेंशियल पॉइंट व्यू से भविष्य बहुत अच्छा है, और परिवार में भी व्यर्थ की आलोचना से बचना होगा मीन। और एक अच्छी खबर आपके लिए, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शुभ अपग्रेड आपको मिलने वाले हैं। और अब समय हो गया है आप ही के भेजे गए प्रश्न के उत्तर जानने का। ये हमारे पास प्रश्न आया है शिवा शर्मा का, 31/10/1997 स्क्रीन पे देखें आपकी जन्मपत्री हाजिर है, 4:20 प्रातः काल, और नोएडा का जन्म है। हमारे सामने प्रश्न आया है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेपर भी नहीं दिए, पढ़ाई छोड़ दी है, अपनी मर्जी करते हैं, घर में लड़ाई का वातावरण, क्या करें? पहली बात तो ये, पढ़ाई में मन इसलिए नहीं है कि ध्यान दोस्ती में है। मुझे लगता है कि पढ़ाई के वक्त पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए। जो 16 साल से लेके 22 साल तक पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे उनके 60 साल आनंद के हो जाते हैं, और जो ये 6 साल मस्ती करते हैं वो 60 साल दुखी होते हैं। अतः ये समय पढ़ाई का है, ध्यान जरूर करना चाहिए। आप एक प्रयोग करिए, जी हाँ, एक नारियल लीजिए, सिर से 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, और घुमा के अगर आपके पास कोई बहता पानी है तो जब पानी आपसे दूर जा रहा हो उस तरफ बहा दीजिए, ऐसा ना हो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और प्रार्थना करें। जी हाँ, वहां पर एक छोटा सा मंत्र है, नासे रोग हरि सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, उनसे कहें प्रभु हमारी बच्ची को सद्बुद्धि दो। विचार ही तो हैं, पॉजिटिव विचार जैसे ही आएगा यात्रा बदल सकती है।
और आज जिनका जन्मदिन है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा आपको प्रयोग बताते हैं आज के लिए। केक वगैरह तो हम काटते ही हैं ना, तो आज एक नया प्रयोग करिए। शाम के वक्त अपने मंदिर में, अपने घर में देसी घी का दीपक जला दीजिए और प्रार्थना करिए अपने इष्ट देव से कि हमारी दीर्घायु हो, हमसे शुभ कार्य हो, किसी का अमंगल ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। ये छोटा सा भाव रखते हुए करें और दीर्घायु की प्राप्ति होने लगेगी। और एक छोटी सी बात और कह देते हैं आपको, आज अपने दोस्तों के साथ जब घूमने फिरने जाएं तो किसी का भी अपमान बिल्कुल ना करें, दुआएं ले लेनी चाहिए, इससे लाभ होता है। और मित्रों अब समय हो गया, कल फिर मिलेंगे आप ही के इसी चैनल पर आपके प्रिय प्रोग्राम के अंतर्गत, और चर्चा करेंगे एक विशिष्ट प्रश्न की। जी हाँ, हाथ जोड़कर नमस्कार करने से क्या होते हैं लाभ, शेक हैंड क्यों नहीं करना चाहिए, उससे क्या होती हैं हानियां, कल करेंगे इस पर चर्चा।